नमस्कार सिटी बिग न्यूज पर एक बार दोबारा से आप लोगों के साथ लाइव जुड़ी हूँ ये दिखाने के लिए कि हिसार के अंदर कितना समर्थन जो है किसानों का मिल रहा है। आप पीछे देख पा रहे होंगे मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर इस वक्त में मौजूद लगातार जो है यहाँ पर टुकड़ियों के अंदर किसान पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नारा दिया जा रहा है कि मोदी नहीं मदारी है। जी हाँ, मोदी नहीं मदारी है। इस नारे के साथ जो है किसान अलग अलग गाँव से अलग अलग जगहों से यहाँ पर लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार रोड शो जो है फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो वक्ता है वो यहाँ पर आकर के सभी किसानों को संबोधित कर रहा है, चाहे महिला किसानों की बात करूँ या फिर पुरुष किसानों की बात करूँ, सभी यहाँ पर जो है इकट्ठा है। लगातार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ कि लगभग जो है 500 से 800 की संख्या के अंदर किसान आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पीछे की ओर नजर दौड़ाना चाहूंगे किस तरीके से जो है ट्रैक्टर के अंदर भी किसान मौजूद है और वहां पर भी प्रदर्शन जो है वो चला हुआ है पूरे तरीके से। अगर बात करूं संगठनों की तो अलग अलग संगठन यहां पर पहुंच रहे हैं और महिला की बात करूं पुरुषों की बात करूं सभी यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगी कि मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, अंदर आपको लेकर के चलती हूँ। अंदर का नजारा एक बार दिखाना चाहूंगी कि सिक्योरिटी को लेकर के क्या कुछ प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करूं तो पुलिस यहां पर जो है तैनात नजर आ रही है। लगभग चारों तरफ अगर बात करूं तो चारों तरफ जो है सिक्योरिटी प्रॉपर मुझे नजर आ रही है। एसपी बलवान सिंह राणा जो है सुबह निरीक्षण करने के लिए भी आए थे और निरीक्षण जो है उन्होंने लगातार जो है समय समय पर करते हुए यहाँ पर नजर भी आते हैं। अगर आगे आपको लेकर के जाना चाहूंगी, आगे दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी तैनात है और आपको बता दूं कि आंसू बम का दस्ता भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो पुलिस की तरफ से पूरी प्रोटेक्शन की गई है और प्रोटेक्शन के रूप के अंदर इस तरीके के जो बंदोबस्त है वो किए जाते हैं। आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर मौजूद मिल जाएंगे आपको। और अगर बात करूँ मैं थोड़ा सा आगे ले जा करके कि रेओट कंट्रोल व्हीकल, जी हाँ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये व्हीकल इसलिए होता है कि अगर ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं किसान तो उनको इसके अंदर ले जाया जा सके। और यहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी पूरी तरीके से तैनात है। दोबारा से दिखाना चाहूंगी रिओट कंट्रोल व्हीकल यहाँ पर तैनात किया गया है। अगर ज्यादा इस तरीके की कोई अफरा तफरी मस्ती है तो इसका यूज किया जाएगा। दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगी आपको यहाँ पर जो है वाटर कैनन भी मौजूद है। अगर ज्यादा आक्रामक प्रदर्शन होता है तो पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। आगे की तरफ दोबारा से नजर दौड़ाना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से मिनी सेक्रेटरिएट का गेट जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि किसान प्रदर्शन करते हुए अंदर ना आ सके। और ये भी बता दूं कि डीसी कार्यालय का घेराव करने का कहीं ना कहीं किसान आह्वान करते हुए नजर आए हैं। कल ही गुरनाम सिंह चटूनी लाइव आए थे और उन्होंने बताया था कि 14 दिसंबर की ये वो तारीख है जब किसानों ने आह्वान किया था कि हम लोग आमरण अनशन के ऊपर बैठेंगे। जी हाँ, गौर दीजिएगा वर्ड के ऊपर, आमरण अनशन का आह्वान किया गया था। लेकिन कल ही दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गुरनाम सिंह चटूनी के द्वारा और उसके अंदर बताया गया कि आमरण अनशन के ऊपर तो नहीं बैठा जाएगा अभी, लेकिन एक दिन के अनशन के ऊपर बैठा जाएगा। शाम के 5 बजे तक जो है ये प्रदर्शन चलने वाला है। हर जगह ये प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी सिंघू बॉर्डर के ऊपर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगातार जो है किसानों का प्रदर्शन इसी तरीके से जारी है। अनशन के ऊपर जो किसान है वो लगातार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अनशन किया जाएगा और बता दूं कि आम जनता भी इसके अंदर भाग ले सकती है, क्योंकि आम जनता के लिए भी ये कानून है। अगर कानूनों का असर किसानों के ऊपर पड़ता है तो उनकी सब्जियों का असर जो है, महंगाई का असर जो है, आम जनता के ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसान जो है आम जनता को साथ लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। इसी कारण 12 दिसंबर को यानी कि परसों जो है टोल फ्री कराए गए थे। लगभग जो है करोड़ों का नुकसान यहाँ पर दिखाया गया था। हर एक अखबार की फ्रंट हेडलाइन के ऊपर ये छपा था कि इतने करोड़ का नुकसान हुआ है यार टोल फ्री करने की वजह से। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं छपा कि इतने करोड़ का फायदा जो है आम जनता को भी हुआ है टोल फ्री करने की वजह से। एक बार दोबारा से आगे दिखाना चाहूंगी कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर लाइफ जैकेट, हेलमेट और जो है डंडे के साथ पुलिस तैनात है ताकि कोई भी अप्रिय घटना होती है तो पुलिस यहाँ पर उसे संभाल सके। थोड़ा सा आगे लेकर के जाना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी पुलिस बल यहाँ पर पूरे तरीके से मौजूद है।
लगातार किसानों के द्वारा जो है नारे लगाए जा रहे हैं कि तीन काले कानूनों को वापस लिया जाए, मोदी नहीं मदारी है। इन्हीं नारों के बिहाफ के ऊपर किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर बात करूँ पुलिस बल की, पुलिस बल भी अपना काम जो है बखूबी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा और आगे आपको लेकर के चलूंगी और दिखा दूँ एक बार, मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर मौजूद हूँ, हिसार के अंदर मौजूद हूँ और जो है गेट अभी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि किसान जो है अंदर ना घुसाए, इसी वजह से यहाँ पर गेट जो है बंद कर दिए गए हैं। अगर महिला पुलिस की तैनाती की बात करूँ तो महिला पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर पूरी जोरों शोरों से कर दी गई है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दोबारा दिखाना चाहूंगी यहाँ पर, लगभग जो है हिसार का लघु सचिवालय छावनी के अंदर तब्दील हो चुका है। इतनी संख्या के अंदर शायद ही हिसार का इतिहास होगा कि पहली बार इतने किसान लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली की भी बात करूं तो दिल्ली के अंदर भी ये इतिहास है, ये क्रांति है किसानों की तरफ से, क्योंकि ऐसा नजारा जो है सर छोटूराम के समय में दिल्ली के अंदर देखा गया था। लगभग जो है शायद ये 1960 की बात होगी और उसके बाद अब यहाँ पर देखा गया है कि हिसार के अंदर भी इस तरीके का माहौल जो है किसानों ने बना दिया है। कहीं ना कहीं जो है सरकार का अड़ियल रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है, उसी को गिराने के लिए यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर से आपको दिखाई देगा कि किसान यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी साथी आ रहे हैं, जिसका नाम आ रहा है और सदारों सबका अभिनंदन। सिटी बिग न्यूज के ऊपर आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये जो प्रकाश पीटीआई में जो नत्था आया ना, इनका भी जोरदार लगातार जो है वक्ताओं के द्वारा यहाँ पर किसानों को संबोधित किया जा रहा है और बताया जा रहा है इन तीन काले कानूनों के बारे में। लगातार किसानों को फिलहाल यहाँ पर अवेयर करते हुए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितने किसान यहाँ पर आकर बैठे हुए, अलग अलग जगह से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग गांवों की बात करूं तो लगभग आसपास के सभी गांव से यहां पर किसान आए। एक बार कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी कहां से आए आप? बालसम से आए जी। बालसम से आए, किस लिए आए हैं? हम इसे मोदी के बारे में आए, कल ले रहे हैं। अच्छा, कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर आम जनता है? ना, किसान से। अच्छा अंकल जी, आपसे जानना चाहूंगी कहाँ से आए हैं? हम उगाड़न से आए हैं। कहाँ से? उगाड़न से। उगाड़न से? उगाड़न। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? उगाड़न से। उगाड़न से ही आए हैं। अच्छा, तो आज किस लिए आए हैं या फिर आप लोगों को जो है संदेश दिया गया था कि आज आना? बहिष्कार करने के लिए आए हम। अच्छा, वो वापस लिए। अच्छा, यहाँ पर जो नारे लग रहे थे मोदी नहीं मदारी, आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे थे? हाँ, हमारी तरफ से। अच्छा, एक दो नारे और सुनना चाहेंगे, हमारी जनता सुनना चाहती है कौन कौन से नारे लगा रहे थे। खट्टर मर गया, दुष्यंत मर गया, मोदी मर गया, रणजीत भी साथ में। अच्छा, रणजीत जी को भी साथ में मार दिया। और रणवीर गंगवा की बात करो तो उनको जिवाया है या फिर मार दिया? सरकार में इसमें शामिल है वो सब। अच्छा हाँ, तो कितना गुस्सा है, कितना गुस्सा है? अंकल जी आपसे जानना चाहूंगी कितना गुस्सा है? तुझे तो टाइम थोड़ा उसकी, बहुत गुस्सा है। रात ने एक रात पानी भरा के देखो मोदी भी रापटे कैसे चीज पहता हुआ है, कैसे है किसाना की ठंडी रात में सारा रात खेत में रहा, खेत में रहा रात में भी। अच्छा अच्छा, आज आप लोगों ने जो है अनशन रखा हुआ है, खाना खूना कुछ खाया है सुबह से? बगैर खाए आ रहे हैं, बिना खाए पिए आए हैं। 70 किलोमीटर दूर है कून पुड़े पौधा उठब। अच्छा, और कब तक बैठने का इरादा है? जब तक बैठे रहेंगे। सांकेतिक है ये तो, संकेत दे रहे हैं हम अगला स्टेप उठाएंगे, ये तो ट्रेलर दिखा रहे हैं। हाँ, आगे तो और दिखाएंगे फिर। तो आमरण अनशन की बात जो है कल गुरनाम सिंह चढ़ूने के द्वारा की गई थी। एक बजे के बाद में होगा ये, आप बंद कर दीजिए। तो किसान यहाँ पर जो है बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। कई किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग जो है एक बजे का टाइम इन्होंने रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद ही जो है यहाँ पर प्रेस से बातचीत की जाएगी। लेकिन कुछ किसानों से मैंने आपकी बातचीत करवाई, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है किसान अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं और उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है इस चीज का कि सरकार के द्वारा जो है किसानों के ऊपर पानी की बौछारें मारी गई, ठंड के अंदर मारी गई और यहाँ पर जो है ये सांकेतिक धरना लगातार 5 बजे तक चलता हुआ नजर आएगा। अंकल जी कहाँ से आए हैं? मैं नारनौंद से आया हूँ। नारनौंद से? अच्छा, नारनौंद से आया। दादा गौतम भी वहीं से है। हाँ। जेजेपी के विधायक है,
क्या लगता है कितना साथ देते हैं आप लोगों का ये किसान आंदोलन में? अभी क्या बीजेपी, क्या जेजेपी, क्या कोर की ये किसान आंदोलन है? किसानों की मांगे हैं, तीन काले कानून हैं, किसान एक फ्रंट है, नॉन पॉलिटिकल है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता ये जागरण वाले टुकड़े टुकड़े गैंग, व्हाट इज टुकड़े टुकड़े गैंग, आई डोंट नो अबाउट दिस। ये किस प्रकार की प्रेस, आप प्रेस से संबंध रखते हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ हमारे भाई इस प्रकार की भाषाएं बोलते अच्छा, हैं। अच्छा, कईयों ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है यहाँ पर आकर के आप लोगों को उकसा रही है, तो और कहीं कहीं जगह टिप्पणी की गई किसानों के द्वारा कि सरकार खुद ही टुकड़े टुकड़े गैंग है। हाँ, तो इससे कितना सहमत है? सरकार तो बकवास कर रही है, अभी फंसी है सरकार, सांप बिल में से बाहर निकल आया है। अब इसकी सारी नीतियाँ कैपिटलिस्टिक की, पूंजीवाद की और कॉर्पोरेट घरानों की बिल्कुल समझ में आगे निकला है। किसान के हित के लिए कोई कानून नहीं बना। अच्छा, किसान काम क्या करते हैं आप? मैं किसानी करता हूँ, खेती किसानी के अलावा क्या करते हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? लग तो रहा है कि अच्छे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखा हूँ, किसान पढ़े लिखे भी हैं, हमारे बेटे पोते भी एग्रीकल्चर में हैं, इनसे हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, सरकार कह रही है कि किसान जो है अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, सूट बूट पहन के नहीं आ सकते, पढ़े लिखे नहीं होते, कितना सहमत रखते हैं इस बात से? देखिए, हम उस जमाने के लोग हैं जिसमें हमारी पढ़ाई का इतना खर्चा नहीं था। हो सकता है कि आप नौजवान हैं, इनके सामने इस प्रकार के संकट हों, क्योंकि शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, साधन नहीं है किसान के पास। और अभी कुछ काम था, ये कोरोना ने सत्यानाश कर दिया। थोड़े थोड़े बच्चे खेल रहे हैं क्लासों में कोरोना का बहाना लेके, आंदोलनों में कोरोना का बहाना लेते हैं। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हो चुकी है। ये जो मोदी मीडिया, मोदी सिस्टम, ये बिल्कुल खराब अच्छा, है। मोदी को एक चेतावनी देनी हो तो हमारे कैमरा के माध्यम से क्या चेतावनी देंगे? मोदी को ये चेतावनी देंगे, ये जन आंदोलन हो चुका है। जितना लंबे समय तक ये मोदी खींचेगा ये सड़क पर, ये वो आंदोलन नहीं है। अगर ये आंदोलन महीनों तक चलता है तो व्यवस्था परिवर्तन और किसान क्रांति, कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है, वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। काम करनी या लंगार मौज में लफंगा, उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ाई जा रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना दे देना चाहता हूँ कि ये सरकार बिल्कुल कैपिटलिस्ट की है, पूंजीपतियों की सरकार है, कंपनियों का शासन स्थापित करना चाहती है, डेमोक्रेसी का सत्यानाश करना चाहती है ये सरकार। ये सरकार बेबुद्धि सरकार है, हमने जिंदगी में इस प्रकार की सरकार नहीं देखी थी। हमें काफी समय से 62 से हम वोटर हैं, अब इस तरह की सरकार हमें कभी दिखाई नहीं दी। और ये भाषण कुछ देते हैं, मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुसलमानों का। अच्छा, आज ही के अखबार में आया हुआ था कि हनुमान जी को ठंड ना लगे इसलिए हीटर लगाया गया है, तो क्या लगता है कि पानी की बौछारों से किसानों को ठंड नहीं लगती लेकिन एक मूर्ति को ठंड लगती है? आपका जो सिस्टम है ये बड़ा बढ़िया, इस प्रकार के ढोंगी सरकार, अंधविश्वास फैलाने वाली सरकार, मंदिर मस्जिद के झगड़े करवाने वाली सरकार, लोगों को बांटने वाली सरकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो इस देश को तोड़ने की साजिश कर लेगी इस तरह से। ये देश का जो ताना बाना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितनी जातियां धर्म सब इकट्ठे रह रहे हैं, इस ताने बाने को ये सरकार तोड़ना चाहती है। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आपसे जानना चाहूंगी, हरियाणा से है, पंजाब से है? हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। ये जानना चाहूंगी कि गुरनाम सिंह चडूने के द्वारा बयान दिया गया था कि पंजाब जो है हमारा बड़ा भाई है, ठीक है, जब भी बैरिकेड थे और लाठियां खाने की बात थी तो उन्होंने कहा कि हरियाणा सबसे पहले आएगा क्योंकि छोटा भाई है, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हरियाणा से ज्यादा पंजाब के किसान नजर आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण जानना चाहूंगी। मैं सिर्फ हरियाणा और पंजाब की बात नहीं करना चाहता, मैं सारे हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई किसान रहता है, ये आंदोलन उसका है ना, ये पंजाब का है, ना हरियाणा का है, ना यूपी का है, ना मध्य प्रदेश का है, क्योंकि ये तीनों कानून जो उन्होंने बना रखे हैं वो सारे किसानों के खिलाफ है, चाहे किसान कहीं भी रहता है। ये कानून जिन स्टेटों में लागू हो चुके हैं, मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ, वहाँ जो मक्का है वो 800-700 रुपया बिक रहा है और धान जड़ा है 1100-1200 रुपया बिक रहा है। उन लोगों को पता है, लेकिन ठीक है, जब तक कौम का कोई लीडर आगे नहीं आता ना,
अब पंजाब ने कोई कुर्बानी करी है वो आगे आए, हम उनसे पीछे हरियाणा वाले लग रहे हैं। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी, सुबह से कुछ खाया है? ना, कुछ नहीं खाया आज। कहाँ से आए हैं? हम भीड़ बबरान से आए हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, खाने ना खाने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम सरकार को जगाने के लिए आए हैं। डीसी के माध्यम से हम एक मेमोरेंडम देंगे प्रधानमंत्री के नाम, अजय भी उसकी होश में आओ और किसानों की जो जायज मांगे हैं, सभी जायज हैं, उनको मांगो, इनको तंग ना करो। मैं वहाँ पर भी एक उदाहरण दिया था महाराजा रणजीत सिंह का स्टेज के ऊपर। राजे का काम होता है गरीबों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। ये काम नहीं होता कि ऊपर से कोई कानून बना के इनको लूटना, लूटने का काम नहीं राजे का। एक तरफ तो बीजेपी कहती है हम भ्रष्टाचार बंद कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार बंद कर रहे हैं। और उद्योगपतियों को करोड़ों रुपये का जो लोन देते हैं ना, उनका माफ़ कर देते हैं, तो उनको घाटा पड़ रहा है, और भी कईयों का माफ़ कर देते हैं। वो किसान के 10 रुपये माफ तो क्या करने हैं, हमारी जो फसल हो रही है उसकी लागत ही ठीक तरह से दे दो। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि फोन यूज करते हैं? हाँ जी, फोन यूज करते हैं? हाँ जी। कौन से सिम यूज करते हैं? BSNL की। अच्छा, BSNL की सरकारी सिम यूज कर रहे हैं? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के द्वारा अंबानी की जियो की सिम को पोर्ट कराने का काम किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये कितना कामयाब होगा? वो तो सिम है जो अडानी पानी की, तो लोगों ने काट के फेंक दिए है, बिन का जो मॉल है या कुछ भी है वो बंद कर दिए लोगों। क्या कह रहे हैं आप? 30 लाख सिम कल तक पोर्ट। अच्छा, लगता है कि आप भी करवा के आए हैं? हाँ, बहुत करवा गए हैं। हमारा यार दोस्त है जो वो करवाया गया है सिम को पोर्ट, और जो रिलायंस का पेट्रोल पंप है उस पर हम तेल नहीं डलवा रहे, पूरा बहिष्कार कर रहे हैं। अंबानी अडानी के यार है वो देश के गद्दार है। जो भी अंबानी अडानी का यार है वो इस देश का गद्दार है। अंबानी अडानी के नाम देश को बनाने की मोदी की तैयारी है, जिसको किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1907 में एक किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये हुआ है। सर छोटू राम की सरकार के अंदर लाल बाके दयाल ने जो है नारा दिया था, जट्टा पगड़ी संभाल, जट्टा पगड़ी संभाल, और वो 9 महीने चला था। अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। ये मोदी सरकार कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है, अंबानी और अडानी की गोदी है। एक तरफ अमित शाह और एक तरफ मोदी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सरकार किसान व्यापारी मजदूर विरोधी है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये किसान आंदोलन जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन हो जाएगा। मैं राष्ट्रीय आढ़ती एसोसिएशन का महासचिव हूँ, हम तन मन धन से किसानों के साथ है। मैं वहाँ भी जाके जो है सिंधु बॉर्डर पे चुड़नी जी को, राज्यवाल जी को, वहाँ भी हम समर्थन दे के आए हैं। जैसी भी आर्थिक शारीरिक मदद है वो दे के आए हैं। टिप्पणी लाठी चार्ज में मेरे ऊपर भी लाठी चार्ज हुई थी, मेरे हाथ पे फ्रैक्चर हुआ था। हम तन मन धन से किसानों के साथ है, किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। और ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। आज बोतल बंद पानी 20 रुपए मिल रहा है और किसान की फसल कहाँ बिक रही है? अगर ये खेल अडानी अंबानी के हाथ में आ गया तो वो 10 रुपए लेगा और 200 रुपए किलो बेचेगा। आज गरीब लोगों को ये अंबानी ये क्या नाम मोदी बका रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है।